रुक करेंगे एक बड़ी खबर का रायपुर से। राजधानी में अस्पताल से कूदकर पुरुष ने खुदकुशी कर ली। एम्स कोविड वार्ड के तीसरे माले से कूदकर खुदकुशी की गई। 49 वर्षीय अज्ञात कोविड पेशेंट ने अस्पताल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पूरा मामला रायपुर के एम्स के कोविड वार्ड का है, जहां पर कोरोना से पीड़ित युवक ने कूदकर खुदकुशी की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां युवक कोरोना से पीड़ित था और उसका इलाज भी किया जा रहा था। अमनाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां इलाज के दौरान युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि लगातार अब जांच की जा रही है कि खुदकुशी क्यों की गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है और क्या अभी तक कारण स्पष्ट हो पाया है कि युवक ने आखिर क्यों कूदकर आत्महत्या की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये घटना दोपहर 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कोविड सेंटर के एम्स अस्पताल के कोविड सेंटर के तीसरे माले से एक अज्ञात मरीज ने कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि जान देने का कारण अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाया, लेकिन ये बताया जा रहा था कि युवक बीते कुछ दिनों से लगातार जो था बीमार चल रहा था, वो काफी तनाव महसूस कर रहा था कोरोना संक्रमण को लेकर के। हालांकि रिकवरी भी उनकी लगातार हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो था ये काफी ज्यादा तनाव महसूस कर रहा था। और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की भी एक तरीके से लापरवाही उजागर हो रही है कि जिस तरीके से वहां पर मरीज ने खुदकुशी कर ली है, तो उस वक्त कहां था प्रबंधन जो निगरानी कर रहा था अस्पताल पर मरीजों की? क्या उस वक्त पूरी तरीके से स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं थे? तो इन सब तमाम सवाल जो है ये अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर के जो लापरवाही उजागर हो रही है ये सामने। वाकई में शिवम, अस्पताल की तो लापरवाही है ही, पर अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखा जाए तो क्या पहले भी इस तरह की लापरवाही हॉस्पिटल की तरफ से देखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार राजधानी के तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इस तरीके की लापरवाही पाई जाती है। हालांकि ज्यादातर जो इस तरीके की लापरवाही निकल करके सामने आती है वे सरकारी अस्पतालों में ज्यादा निकल करके सामने आती है, क्योंकि जो मरीज हैं वे दूसरे जिले से आते हैं और उन्हें यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो रेफर रहते हैं उसके बावजूद यहाँ पर उनका देखभाल सही ढंग से नहीं हो पाता है। लगातार वो तनाव महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं और वो अपनी तकलीफ को किसी के सामने बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जो एक बहुत बड़ा कारण तनाव का बन जाता है और वो इस तरीके की आत्मघाती कदम उठाते हैं। और इसी तरीके की घटना आज भी एम्स अस्पताल के कोविड वार्ड के तीसरे माले में ये घटी है। चलिए शिवम, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।